हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमित तिवारी, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्नैपशॉट बुक के पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का टाइटल है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स और इसके राइटर हैं विलियम सेरॉय। ये स्टोरी बेसिकली दो अर्मेनियन बच्चों के बारे में है जो कि एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं और जिस ट्राइब से ये बिलोंग करते हैं वो अपने ट्रस्ट, अपने ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है। उसकी पहचान उसके ट्रस्ट से है, उसके ऑनेस्टी से है, ईमानदारी से है। इस ट्राइब में जितने भी लोग हैं वो बहुत ईमानदार हैं, बहुत ट्रस्ट वर्दी हैं। इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है कि ये कभी किसी को धोखा नहीं देंगे, कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं करेंगे। नाउ विल डिस्कस दिस स्टोरी लाइन बाई लाइन। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वॉज 9 एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ every imaginable kind of magnificence and my life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. अब यहाँ पे जो narrator है इस story का वो बता रहे हैं कि ये उन दिनों की बात है जब मैं मात्र 9 साल का था और इस उम्र में दुनिया जो है हर प्रकार की खूबसूरत चीज़ों से भरी हुई थी और हम लोग की जो लाइफ थी वो एक तरीके से खूबसूरत सपने जैसी थी। और जो मेरा कज़िन था जिसका नाम मुराद था, जिसको कि मुझको छोड़ के बाकी सब लोग पागल कहते थे, क्रेज़ी कहते थे, वह सुबह सुबह 4 बजे उठ के मेरे कमरे के विंडो के पास आता है और उस पर थपकी देके मुझे जगाता है। अरम ही सेड, आई जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। और जैसे ही मैं अपनी आवाज़ सुनता हूँ उसके मुंह से, मैं लगभग अपने बिस्तर से कूदता हुआ बाहर आता हूँ और विंडो की खिड़की से बाहर झांक के देखता हूँ। आई कुड नॉट बिलीव वॉट आई सॉ, और जो भी मुझे दिखाई देता है, जो भी मैं देखता हूँ उसमें मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाता। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर एंड द डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। हालांकि अभी पूरी तरीके से सुबह नहीं हुई है लेकिन गर्मी का समय है और थोड़ी ही देर में दुनिया के हर एक कोने में जो है उजाला फैल जाएगा और सुबह हो जाएगी और बाहर का जो भी एनवायरनमेंट है उसको देख के मुझे एहसास होता है कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, ये हकीकत है। माय कज़िन मुराद वाज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, आई स्टक माय हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माय आईज। और मैं क्या देखता हूँ कि मेरा जो कज़िन है मुराद, वो एक सफ़ेद रंग के घोड़े पर बैठा हुआ है, एक सफ़ेद रंग के खूबसूरत घोड़े पर बैठा हुआ और मैं अपना सिर खिड़की से बाहर निकाल के देखता हूँ और अपने आँखें मलता हूँ। यस ही सेड इन आर्मेनियन, इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। अब वो मेरा भाई जिसका नाम मुराद है वो आर्मेनियन भाषा में कहता है, अरे हाँ ये एक घोड़ा है, तुम सपना नहीं देख रहे हो और अगर तुम राइड करना चाहते हो तो जल्दी से बाहर आ जाओ। आई न्यू माई कज़िन मुराद एंजॉयड बींग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। अब नैरेटर अपने भाई मुराद के बारे में बता रहा है कि मेरा भाई, मेरा कज़िन मुराद, जो कि लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय करता है एज़ कम्पेयर टू दोज उन लोगों के तुलना में जो कि गलती से ही इस दुनिया में आ गए हों या गलती से ही वो इस दुनिया में पैदा हो गए हों। कहने का मतलब ये है कि मुराद जो है वो बहुत ही जॉली किस्म का लड़का है, लाइफ के हर एक पल को वो एंजॉय करता है, वो कभी सीरियस नहीं होता।
बट दिस वॉज मोर देन आई कुड बिलीव। लेकिन जो इंसिडेंट आज नैरेटर के सामने घटी है वो उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बिन मेमोरीज ऑफ हॉर्स एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बिन लॉन्गिंग टू राइट। और अब नैरेटर अपने ड्रीम के बारे में बता रहा है। वो ये कह रहा है कि हॉर्स की राइडिंग करना शुरू से ही मेरा एक सपना था। उसके पुराने मेमोरीज़ की अगर बात करें तो वो मेमोरीज़ घोड़ों से जुड़ी हुई थी और उसकी पहली इच्छा थी कि वो घोड़ों की सवारी करे। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। तो ये एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ थी कि उसकी इच्छा थी कि वो घोड़ों की सवारी करे और घोड़ों का ही सपना वो हमेशा देखा करता था, उसका एक शौक़ था। और जो आज घटना घटी है उसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गया है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है इस घटना का, जो दूसरा पहलू है, वो ये है कि वो लोग गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं। एंड दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। और इसी वजह से नैरेटर ये कह रहा है कि उसे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि अरम के पास ये घोड़ा आया कहाँ से। ये जो घटना घटी है उस घटना पे उसे इस वजह से ही विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि वो बहुत गरीब है और गरीब होते हुए वो घोड़ा अरेंज नहीं कर सकते, लेकिन अरम के पास घोड़ा है और इसी वजह से उसे विश्वास नहीं हो रहा है। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन। हम गरीब थे, हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था और मेरे पूरे ट्राइब में गरीबी फैली हुई थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गॉर्गेलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। और इनके ट्राइब का नाम गॉर्गेलियन ट्राइब है और इस ट्राइब में चारों तरफ जो है गरीबी फैली हुई है। Nobody could understand where we ever get money enough to keep us with food in our bellies, not even the old man of the family। और अब नैरेटर ये बता रहा है कि उन्हें इस बात ये बात जो है उन्हें समझ में ही नहीं आती कि आखिर इतना गरीब होते हुए भी उनको दो जून की रोटी कहाँ से मिल जाती है, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं जिससे कि वो अपना पेट भर सकें। यहाँ तक कि जो उनकी फैमिली में जो ओल्ड लोग हैं, जो कि शुरू से ही इस ट्राइब को अच्छे से जानते हैं, हर एक चीज़ों के बारे में उनको जानकारी है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं बता पाते कि उनके पास पैसे आ कहाँ से जाते हैं, उनकी जो लाइफ है वो कैसे चलती है, वो अपना ब्रेड एंड बटर कैसे अरेंज करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, वी हैड बिन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, इवन वैन वी हैड बिन वेल्दीएस्ट फैमिली इन द इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनी बडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। अब नैरेटर ये कह रहा है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी फैमिली या हमारे ट्राइब को लेके, वो ये है कि हम अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, हम अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस हैं। और हम अपनी ऑनेस्टी के लिए तकरीबन 11 शताब्दियों से फेमस है, तब से जब हम बहुत वेल्दी हुआ करते थे, हमारे पास बहुत पैसा होता था, धन होता था, संपत्ति होती थी। और वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग। तो हमें अपने ऊपर गुमान था, प्राउड था, हम ऑनेस्ट थे। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंट, इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग सो एक्साइटिंग, आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजन मुराद or with me or with any of the other member of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse, and if he could not have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it.
तो अब नैरेटर ये कह रहा है कि हालांकि मैंने उस घोड़े को देखा और वो बहुत ही खूबसूरत था, उसकी जो स्मेल थी वो बहुत टेम्प्टिंग थी, वो बहुत प्यारा था, मैं उसके सांस को जो है महसूस कर सकता था, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग थी, लेकिन तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये घोड़ा जो है इसका मेरे भाई से कुछ भी लेना देना है, क्योंकि मुराद जो कि हमारे घोरगेलियन फैमिली का एक मेंबर था, वो घोड़ा तो परचेज कर नहीं सकता है, और हम अपनी ईमानदारी के लिए इतना ज़्यादा फेमस हैं, हम इतने ईमानदार हैं, हम इतने ट्रस्टवर्दी हैं कि हम चोरी नहीं कर सकते, तो मुराद घोड़े को परचेज नहीं कर सकता, अगर वो चोरी नहीं कर सकता तो आखिर उसके पास घोड़ा आया कहाँ से। अब ये बात जो नैरेटर है वो सोचता है, फिर वो इस बात को बिल्कुल ही रिफ्यूज़ करता है कि उसने इस घोड़े को चुराया होगा। नो मेंबर ऑफ द गर्गोलियन फैमिली कुड बी अ थीव, अब वो कह रहा है कि हमारी ट्राइब का कोई भी व्यक्ति चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स, देयर वॉज अ पॉयस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। अब अरम क्या कह रहा है कि उसने पहले तो अपने कजन को देखा, फिर घोड़े की तरफ देखा, और जब उसने देखा तो घोड़े और कज़न दोनों में ही दो कंट्राडिक्टरी कैरेक्टरिस्टिक्स उन्हें दिखाई दिए। पहला क्या था, पहला तो उनके चेहरे पे एक पायस स्टिलनेस, जिसको कि हम सेक्रेट कामनेस कह सकते हैं, पायस का मतलब होता है सेक्रेट और स्टिलनेस का मतलब यहाँ पे काम, क्वाइट, तो एक बहुत ही सेक्रेट सी शांति या कामनेस दिखाई दे रहा था, बहुत ही शांत दोनों के दोनों दिख रहे थे, लेकिन साथ ही साथ एक ह्यूमर लाइक टच भी था उनके पर्सनालिटी में। हालांकि ये दोनों के दोनों ट्रेट्स जो हैं कंट्राडिक्टरी हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों ट्रेट्स उनके पर्सनालिटी में दिखाई दे रहे थे। और क्या कह रहा है कि एक बार तो उनको देख के थोड़ी खुशी भी हुई, उनके इस तरीके के बिहेवियर को देख के अरम को खुशी भी हुई, लेकिन साथ ही साथ उसको डर भी लगा। डर इसलिए लगा क्योंकि अरम और मुराद का जो ट्राइब है वो अपने ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है, और अरम को कहीं ये डर था कि मुराद ने इस हॉर्स को कहीं से चुराया ना हो, और इस तरीके से जो भी एक ट्रेडिशन था उनके ट्राइब का उसको कहीं उसने ब्रेक तो नहीं किया। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वॉन्ट टू राइड। अब अरम जो है मुराद से पूछ ही बैठता है कि तुमने आखिरकार ये घोड़ा कहाँ से चुराया है, तो मुराद कहता है अगर तुम घोड़े की राइड करना चाहते हो तो विंडो से कूद के बाहर चले आओ। इट वॉज ट्रू देन, ही हैड स्टॉलन द हॉर्स, देर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज। तो अब अरम जो है इस बात को लेकर कन्फर्म हो जाता है कि मुराद ने इस घोड़े को चुराया है, क्योंकि वहाँ मुराद जो है सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए आया है, और ये बात मुझ पे छोड़ दी है कि मैं राइड करना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ। वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। फॉर ऑल आई न्यू, मे बी इट वॉज स्टीलिंग, इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल। तो अब अरम क्या कह रहा है कि वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। घोड़े को चुराना कोई चोरी नहीं है, जैसे कि हम पैसे को चुराते हैं तो वो चोरी कहलाता है, पैसे को जब हम चुराते हैं तो उसको खर्च कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे घोड़े को हमने सिर्फ राइड करने के लिए चुराया है, और राइड करने से घोड़ा ख़त्म तो होगा नहीं, घोड़ा एज इट इज़ ही रहेगा। तो अब अरम जो है मुराद के इस एक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। फॉर ऑल आई न्यू, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, और जहाँ तक मेरा मानना है कि ये बिल्कुल भी चोरी नहीं है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट द हॉर्स द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग। तो अब वो कह रहा है कि
कि जिस तरीके से मैं और मेरा जो कज़िन है मुराद घोड़े की सवारी के लिए हम लोग इतने क्रेज़ी हैं, अगर आप भी उतने ही क्रेज़ी होंगे तो आप भी यही कहेंगे कि घोड़े को चुराना कोई चोरी नहीं कहलाती है। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। तो तब तक इस एक्ट को चोरी नहीं कहा जाएगा जब तक कि हम इस घोड़े को बेच न दें, और मुझे पक्का यकीन है कि हम इसको बेचने तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। तो अरम जो है हर तरीके से मुराद के इस एक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, ये कह के कि हम दोनों ही बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं घोड़े को राइड करने के लिए, और अगर आप भी घोड़े को राइड करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं तो आप भी इस एक्ट को चोरी नहीं कहेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। अब आरम कहता है कि मुझे थोड़ा कपड़े पहन लेने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, ठीक है जल्दी करो। आई लीप्ड इन टू माई क्लोथ्स, आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़िन मुराद। अब आरम जो है कपड़े पहन के खिड़की से बाहर कूदता है और अपने कज़िन मुराद के पीछे घोड़े पे बैठ जाता है। दैट ईयर वी लीव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरीगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स। तो अब आरम क्या बता रहा है कि इस साल जो है हम शहर के टाउन के बिल्कुल एंड पे रहते हैं, यानी कि किनारे पे रहते हैं, शहर के बिल्कुल बाहर रहते हैं, जहाँ पे जिसको कि वॉलनट एवेन्यू कहा जाता है, और हमारे घर के पीछे जो है कंट्री है। कंट्री मतलब कि गांव देहात का एरिया है, खेत हैं, खलिहान हैं, वहाँ पे वाइन यार्ड्स हैं, अंगूर के जो है यार्ड्स हैं, और ऑर्किड्स हैं, इरीगेशन डिचेस यानी कि गड्ढे हैं जिसमें पानी भर के इरीगेशन का काम किया जाता है, और जिस तरीके के कंट्री साइड में रोड्स होती हैं, कच्ची रोड्स होती हैं, वैसी रोड्स वहाँ पे दिखाई देती हैं। इन लेस देन थ्री मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट। और 3 मिनट के अंदर ही हम ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए और हॉर्स जो है धीरे धीरे चलने लगा। ट्रॉट का मतलब होता है प्रोसीड एट ए पेस फास्टर देन वॉक, मतलब कि सामान्य चाल से चलने से थोड़ी तेजी से चलना, इसको ट्रॉट बोलते हैं। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीद, द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। माई कज़िन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेम्बर ऑफ आवर फैमिली बिगन टू सिंग, आई मीन ही बिगन टू रोर। अब अरम को भी घोड़े की राइड करके मज़ा आने लगा था, वो कह रहा है कि घोड़े की राइड करते समय जो है बहुत वंडरफुल फील हो रहा था, और एयर जो है बहुत फ्रेश था, लवली था, और मेरा कज़िन जो है जिसको कि हमारी पूरी की पूरी ट्राइब बहुत ही क्रेज़ी मानती है, और हमारे पूरी की पूरी ट्राइब का बहुत ही क्रेजीएस्ट मेंबर है, वो गाना गाने लगा था, इनफैक्ट वो दहाड़ने लगा था। एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रक इन इट समवेयर एंड माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रक इन आवर ट्राइब। अब यहाँ पे क्रेजी स्ट्रेक का मतलब है एन एलिमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड काइंड इन समवनस कैरेक्टर, मतलब कि किसी के कैरेक्टर, किसी के पर्सनालिटी में एक खास किस्म का एलिमेंट जिसको कि स्ट्रेक बोलते हैं। तो क्या कह रहा है अरम यहाँ पे कि हर एक फैमिली में एक इस तरीके का पर्सन होता है जो कि बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई देता है, मतलब वो आदमी जो है, वो मेंबर जो है, कुछ डिफरेंट टाइप के ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है। और यहाँ पे अगर मुराद की बात करें तो ही वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रेक इन आवर ट्राइब। तो उसने ये जो क्रेजीनेस है कहीं ना कहीं अपने ट्राइब के मेंबर से ही जो है उसको विरासत में मिली है। अब क्या कह रहा है कि बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खोशरो एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सैन जैक्विन वैली, अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो अब आरम बता रहा है कि मुराद जो है, जिसने मुराद ने जो भी क्रेजीनेस उसने अडॉप्ट की है, वो बेसिकली
अपने जो भी मेंबर्स हैं उसके ट्राइब के उन्हीं में से किसी एक मेंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट कर लिया है नेचुरली। और अब वो कौन मेंबर है उसके बारे में आरम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है। वो बता रहा है कि उनके अंकल हैं खोसरो जो कि बहुत ह्यूज पर्सनालिटी वाले आदमी हैं, और उनके सिर पे जो है काले काले बाल हैं, और उनकी मुस्टैच है, बहुत लंबी मूछ है, और इतनी लंबी मूछों वाले आदमी जो है एकमात्र वही आदमी है जो कि सैंज जैक्विन वैली में पाए जाते हैं। वो बहुत ही फ्यूरियस हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत इम्पेशेंट हैं, और इस तरीके के बिहेवियर के साथ वो कभी भी किसी भी आदमी को रोक देते हैं बातचीत करने से, ये कह के कि अरे इस पे ध्यान मत दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू टॉकिंग अबाउट। वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम्ड टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर। दिस मैन खोसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, द बार्बर सेट, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर। सो खोसरो रोड एनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। अब अरम जो है एक कहानी बता रहा है अपने अंकल खोसरो के बारे में कि एक बार उनका लड़का जिसका नाम अरक है वो 8 blocks दूर दौड़ते हुए बार्बर शॉप में जाता है जहाँ पे उसके पिताजी अपने मुस्टैच को ट्रिम करा रहे होते हैं, और उनसे जाके कहता है कि हमारा घर जो है, हमारे घर में आग लग गई है। लेकिन ये आदमी जो कि चेयर पे बैठा हुआ है दहाड़ते हुए कहता है बिल्कुल ध्यान मत दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये बात सुन के बार्बर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। वो भी खोसरो से कहता है ये बात, लेकिन खोसरो जो है उसको भी डपट के डांट के चुप करा देता है ये कहते हुए कि एनफ, इट इज़ नो हार्म, माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। ऑल दो मुराद्स फादर वॉज जुराब हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। अब अरम कह रहा है कि मेरा जो कज़िन है मुराद वो अपने अंकल का नेचुरल डिसेंडेंट है, क्योंकि मुराद ने अपने अंकल से ही ये क्रेजीनेस की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको इनहेरिट की है। और मुराद के जो फादर हैं जुराब वो बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हैं और बहुत ही शांत स्वभाव के आदमी हैं। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। तो अब आरम क्या कह रहा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोई लड़का जो है अपने बाप से बिल्कुल फिज़िकली सेम दिखाई देता है तो उसका जो मेंटल स्टेटस है या जो उसका स्पिरिट है, जो उसका सोल है, वो भी अपने फादर से ही मैच करता हो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है हमारे ट्राइब में। बेसिकली जो मेंटल स्टेटस है या जो एक तरीके से जो सोल है वो किसी से भी इनहेरिट किया जा सकता है, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है हमारे ट्राइब में। तो अब क्या कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट टाइप के स्पिरिट्स का वो बहुत ही एक तरीके से सेटल्ड नहीं है और चेंज होता रहता है, बहुत अनस्टेबल है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन अपने फादर से फिज़िकली बिल्कुल सिमिलर दिखाई देता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसका बिहेवियर भी बिल्कुल अपने फादर के जैसा ही हो। हो सकता है कि उसका बिहेवियर उसके अंकल के जैसा हो, हो सकता है कि किसी और के जैसा उसका बिहेवियर हो। तो इस तरीके से जो डिफरेंट टाइप के स्पिरिट्स लोगों में दिखाई देते हैं वो बहुत ही अनस्टेबल है और वो चेंज होता रहता है।